हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे पाउली का अपवर्जन नियम और उससे रिलेटेड क्वांटम संख्याएं। बहुत ही आसान है, पाउली का कह लीजिए या पाउली भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, पाउली का अपवर्जन नियम। कोई पूछे क्या होता है, बहुत ही आसान है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है कि कोई भी एक परमाणु है, ध्यान से समझिएगा, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि परमाणु में अगर दो इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया था कि परमाणु में जिस जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, अगर आपने लाइन से प्लेलिस्ट देखी है तो बहुत आराम से समझ में आएगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उसे हम लोग कहते हैं उपकोष, और उपकोष को लिखते थे SPDF से, और इनमें बनाते थे ऑर्बिटल, यानी जिन्हें हम लोग कहते थे डब्बे। ठीक है, इनमें पांच बनते थे, ये सब हमने आपको बताया था। ठीक, तो अब यहां पे समझिए, हम आपको बता रहे हैं पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने कहा किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, बिल्कुल आसान है, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। यानी सरल भाषा में क्या है, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं होते हैं। अगर तीन का मान सेम हो भी जाए तो चौथी का जरूर अलग हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे समझाइए, बिल्कुल। पहले तो सर जी, ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो क्वांटम संख्या, जैसे आप हमारा एड्रेस पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई कुछ एड्रेस अपना बताएंगे, उसी तरीके से क्वांटम संख्या क्या होती, जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं वो क्वांटम संख्या, यानी सरल भाषा में कहें वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बताती हैं उसकी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल आसान है, चार होती हैं भैया। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है भाई, मुख्य को लिखते हैं एन से, इसे लिखते हैं एल से, इसे लिखते हैं एम से, और इसे लिखते हैं एस से। एन का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। एन का मान कभी भी जीरो नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल का मान इस पे निर्भर करता है, एम का मान इस पे और एस का इस पे। अगर आपने इसी को जीरो कर दिया तो सब जीरो हो जाएगा, यानी एन का मान कभी भी जीरो नहीं होता, कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। एल का मान क्या होता है, एल का मान एन के मान पे निर्भर करता है और जीरो से एन माइनस वन तक चलता है, यानी एल का मान इससे एक कम तक चलता है। कैसे, अगर कोई कहते इसका मान तीन है तो इसका मान हम लिखेंगे एक कम तक, 0, 1, 2, यानी इससे एक कम तक। कोई कहते इसका मान दो है तो इसका लिखेंगे 0, 1, यानी हमेशा एक कम होता है। ठीक, एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है, प्लस एल से स्टार्ट होता है, माइनस एल तक चलता है और जीरो साथ में आता है। कैसे, एल का मान मान लिया दो है, ध्यान से देखिएगा, तो प्लस एल से, मतलब प्लस दो से शुरू करेंगे, देखिए प्लस दो से छोटा +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, प्लस से शुरू हुआ माइनस पे खत्म हुआ, ये होता है एम का मान। और एस के केवल दो ही मान होते हैं, हमने आपको बताया था एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉक होता है यानी सीधा, एक एंटी क्लॉक होता है यानी उल्टा। तो अगर सीधा है इसके लिए मान एस का होता है +1, और उल्टे के लिए एस का मान होता है -1/2। यानी हम आपको यहां पे बता रहे हैं टोटल चार क्वांटम संख्याएं, मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण, एन एल एम एस। ठीक है भाई, तो पाउली के नियम से हमने स्टार्ट किया था। पाउली का नियम क्या है कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते हैं। अगर मुख्य का, दिगंशी का और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान सेम हो भी जाए तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान जरूर अलग होगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा आपका टॉपिक है जिसमें हमने आपको कवर करके दिया है पाउली का अपवर्जन नियम और क्वांटम संख्याएं। ठीक, ये पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरी परमाणु या जहां पे भी साइंस पूछी जाती है, सामान्य विज्ञान, सब कुछ अवेलेबल है। हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एकेडमी की वीडियोस भी अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्सेज वाइज आपको चाहिए है कायदे से तो इसी नाम से हमारी ऐप भी है, जिस नाम से हमारा चैनल है इसी नाम से हमारी ऐप भी है, प्ले स्टोर पर उसे जाकर डाउनलोड कीजिए। सब कुछ आपको सिस्टम से मिल जाएगा, कई सारी PDFs मिलेंगी और बहुत सारा फ्री मटेरियल भी वहां पर अवेलेबल है। जो डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।